नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम तुअर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, तुअर की बात करें तो ऐसी कमोडिटी रही है, इनफैक्ट सभी पल्सेस की अगर हम बात करें तो ऐसी कमोडिटी रही है जिसमें वॉलिटी काफी ज्यादा रही है। तो सबसे पहले आज का जो ये सेशन है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप तक जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन रही है, थ्रेट बन रही है, वो आप तक लेके आए, सो डेट आप उसके हिसाब से एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंच पाए। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। साथ में हमने कमोडिटी के अपडेट्स के लिए एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है। इस स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको कमोडिटी से रिलेटेड एवरी अपडेट, टेक्निकल, फंडामेंटल, डेटा, ये सभी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम तुअर की बात करें तो तुअर के प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने बनते हुए देखी है। जनवरी से लेकर अभी तक 12% की बड़ी तेजी हमने ऑलमोस्ट बनते हुए देखी और प्राइजेस ने हायर साइड में करीबन 12,500 तक का भी लेवल दिखा दिया था। वहां से हम देखते हैं कि प्राइजेस में गिरावट भी आई और अब रिकवर करके 11,000 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में 1% की तेजी जरूर आई है, बट कहीं ना कहीं जो बड़ी तेजी बनी थी वो अब फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर में लगभग हमने 12,000 के आसपास का भाव देखा था, जिसके बाद मार्केट में एक भारी गिरावट मार्केट को फेस करना पड़ा था और अभी भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इस बार जो अनशेड्यूल्ड तो नहीं बोलेंगे बट शेड्यूल्ड रेंज जो बनी हुई है, खास करके अगर हम बात करें तो सेकंड स्पेल जो मानसून का रहेगा ला नीनो के स्टेज में, वो इंपैक्टफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम स्वॉट एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस में दबाव ला रहे हैं या आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो तुअर के प्राइजेस में लगभग अगर ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइजेस के अंदर 15% से ज्यादा की तेजी हमने अभी तक रिटेल प्राइस में आते हुए देखी है, जिसका मतलब है मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है एंड लिमिटेड सप्लाई है, जिसके चलते ये हमने बड़ी तेजी देखी है। क्योंकि सप्लाई डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहा है और इंपोर्ट डिलेज हो रहे हैं बर्मा से, अफ्रीका से, जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, जिसके चलते ही हमने ये बड़ी रैली मार्केट में आती हुई देखी है। वहीं फेस्टिवल डिमांड ऑनसेट हो चुका है। अगस्त से ही हम देखते हैं कि 15 अगस्त, राखी, दही हंडी और अब गणेश पूजा, तो कंटिन्यू बैक टू बैक के फेस्टिवल डिमांड है, जिसमें माना जा रहा 9 लाख टन के आसपास की रिक्वायरमेंट जनरली हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर के पीरियड में रहती है। तो एक तरफ सप्लाई डिस्टर्बेंस है और दूसरी तरफ फेस्टिवल डिमांड बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। लिमिटेड इम्पोर्ट है, क्योंकि ग्लोबल तुअर का जो इम्पोर्ट है वहां पे हमने 14.5% का YoY दबाव देखा है। रेस्ट्रिक्टिंग सप्लाई है मार्केट में, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। वेदर भी ऐसा रहा है कि क्योंकि एलनीनो से लानीनो में हमने ट्रांजिट किया था तो एलनीनो में पानी की कमी रहती है, लेकिन लानीनो में पानी खूब रहता है। और जैसे ही ये न्यूज आती है हम देखते हैं कि मानसून अच्छे होने की वजह से एरिया इस बार अगर खरीफ का देखोगे तो उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन तुअर की भी बात करें तो तुअर का भी जो एवरेज है लगभग पिछले साल के मुकाबले 12% की तेजी दिखा रहा है, वहां पे तुअर के अंदर एरिया बढ़ा है। लेकिन अब थोड़ा सा एक कंसर्न ये भी है, क्योंकि हैवी रेन और वाटर लॉगिंग की वजह से कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्रॉप का जो यील्ड है इसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, जिसके चलते अब तक प्राइजेस को स्ट्रेंथ मिली हुई है। लेकिन इस बार अपसाइड थोड़ा कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तुअर का जो एकरेज है वो 12% बढ़ा है, जिसकी वजह से आगे जाके सप्लाई अच्छी रहेगी। तो जो अर्ली रेंज हमने कर्नाटका में आती हुई देखी, जिसकी वजह से इस बार अराइवल्स भी जो रहेगी वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी। माना जा रहा है कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक से ही हम देखेंगे कि अराइवल आना चालू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि क्रॉप डैमेज जरूर हुआ था, लेकिन रीसोइंग स्टार्टिंग में ही वापस हो गई थी, जिसके चलते विंडो ओपन थी और काफी जगह पे जो हमने डैमेजेस देखा भी था वो वापस रीइंस्टेट होता हुआ दिखाई दिया। डिमांड रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हम देख रहे हैं मार्केट टाइट है और कहीं ना कहीं ऊंचे भाव के चलते जो डिमांड है उसमें डिटोरेशंस मिला है। गवर्नमेंट के जो इंपोर्ट इनिशिएटिव है, जिसके चलते हमने मोजाम्बिक से करीबन 0.2 मिलियन टन के आसपास का तुअर एक तरह से इम्पोर्ट हुआ है, जिसके चलते रिलीफ भी मिलते हुए दिखाई दी है अब तक। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है? अपॉर्चुनिटी बनती है सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, जिस ढंग से हम देखते हैं हमारा Q4 जो रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा करके डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, ग्लोबल डिमांड भी कंटिन्यू मेंटेन रहती है।
वहीं लो ग्लोबल एविलिटी, इस बार बर्मा की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो वहां की इन्वेंट्री एग्जॉस्टेड लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये शॉर्टेज कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट इंडिया में इस बार सोइंग अच्छी हुई है, सप्लाई अच्छी होगी, लेकिन जब डिप्लीटिंग स्टॉक होती, क्योंकि अब ये मान के चल रहे हैं कि 2 लाख टन से डोमेस्टिक तुअर जो है वो इतनी ही अवेलेबल रहेगी, जिसकी वजह से एक एग्जॉर्बिटेंटली सप्लाई शॉर्ट बन जाएगी। एंड ऑलरेडी प्राइस में ये चीज इंक्लूडेड है, इसके लिए हमने ये भाव बड़ा जंप भी देखा था। लेकिन 2024 में अगर हम देखें तो इस बार स्विंग बढ़ा है, थोड़ा बहुत डैमेजेस जरूर है, बट इस बार हार्वेस्टिंग भी मजबूत होने वाली है। गवर्नमेंट बार बार में पॉलिसी इंटरवीन कर रही है, स्टॉक लिमिट लगा रही है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रही है, जो प्राइसेस को बढ़ने से रोकने का काम करेगी। साथ में हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट्स, हमने येलो पी या फिर हम उड़द चना, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डिमांड शिफ्ट हो रही है, जिसका एक असर ये है कि जो एग्रेसिव डिमांड तुअर में आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रुक जाती है। वहीं मिलर्स ने भी ऑफ होल्डिंग ऑफ परचेजेस, वहां से भी हमने देखा टेम्प्रेरी जो ऊंचे भाव की वजह से कोई भी डिमांड इतना पिकअप नहीं कर पाई। नई क्रॉप की अराइवल जैसी आ जाएगी मार्केट में, एक बार सप्लाई तो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव रहता है। तो स्वॉट में हमने देखा दोनों ही मिक्सन भी हुआ है, बट ऊंचे भाव पर डिमांड नहीं आ रही, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन इसी चीज को अगर सीजनैलिटी से समझे तो सीजनैलिटी क्या बताती है, तो देखिए 2019 से अभी तक की सीजनैलिटी देखे तो हम जनरली देखते हैं कि सितंबर में भाव टॉप करता है, अक्टूबर में भी थोड़ा सा टॉप रहता है, लेकिन अक्टूबर के बाद से मार्केट में गिरावट आता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि सितंबर में भी तेजी आई, अक्टूबर में भी तेजी आई, और अक्टूबर एंड के बाद मार्केट में फॉल आया। लेकिन इस बार अगर हम देखते हैं तो जनरली जो हम लोग मई से लेकर सितंबर तक की जो तेजी होती है, इस बार ये मार्केट में नदारद रही, और हमने देखा कि प्राइजेस मई में जो टॉप किया था उसके बाद से कंटिन्यू गिरावट दिखाया, और अब प्राइजेस कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा, तो टेम्पररी मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ जाए शॉर्टेज के चलते, बट कुल मिला के मार्केट वहां से आगे मंदी रहेगी। तो अगला एक महीना जब तक नए माल की आवक नहीं होती, प्राइजेस थोड़ा सा साइड टू पॉजिटिव रह सकता है, बट सस्टेनेबल थोड़ा डाइजी है, तो अपसाइड थोड़ा कम है। हाँ, अगर चार्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो आप देखिए RSI थोड़ा सा ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है, जिसकी वजह से उम्मीद है थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार ये लेवल से मार्केट उपरता है। यहाँ पे एक तरह का हम डबल टॉप बनता हुआ देख रहे हैं, तो प्राइजेस 12:30 के ऊपर तो टाइमिंग जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, बट ये बोल सकते हैं कि जो रिसेंट फॉल आया है मार्केट के अंदर, इस फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा टेक्निकली एक जंप दिखाएगा, उस जंप के बाद मार्केट में फिर से गिरावट ले, तो मैक्सिमम अपसाइड जो आ रहा है वो 11:30 से 12 के जोन में एक बार अपसाइड आ सकता है। बट कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस आने वाले दिनों में धीरे धीरे एक डाउनसाइड रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, फेस्टिव सीजन भी है सामने, तो जब जब भाव में गिरावट आएगी इमीडिएटली हम बाइंग भी लौटते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर नवंबर से ही माल आएगा मार्केट में, जिसके चलते टेम्पररी अगर पुलबैक आता भी है तो वहां पे आपको चौकाना रहना है, वहां पे टाइम टू टाइम बुक करना है। मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है अगले हफ्ता 10 दिन 15 दिन, लेकिन वो भी क्यों, क्योंकि जो मानसून एक्टिविटी है वो बड़ी है, जहां पे अगर डैमेजेस यील्ड में फॉल है वो टेम्पररी प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है प्राइजेस 11:30-12 के बीच में एक बार जा सकता है, बट सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार क्रॉप साइज अच्छी है, बड़ी है, जो प्राइजेस पे दबाव ला सकता है। इसी के साथ मेरा सजेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक तुअर चना और बाकी ऐसी सारी कमोडिटी की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसी के लिए हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी भी बनाई है, इस स्कैनर को आप वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको नए अपडेट्स कमोडिटी मार्केट के मिलते रहेंगे। इसी के साथ मेरा सजेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।